नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, ऐसे ही परेशान थे। और चलो थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। और सुबह हो गई है, सुबह हो के 2 घंटे हो गए हैं दोस्तों। और मैं पूजा करके आ गई हूँ, पूजा का पाठ मेरा समाप्त हो गया है। अभी मैंने चाय वगैरह नहीं पी है और घर का इतना काम भी नहीं हो पाया। अभी मेरी बहू ने झाड़ू पोछा किया है और अभी वो पूजा कर रही है। और अभी उसका अभी बेडरूम तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त है। जो मेरा बेटा है वो अभी उठ के गया है नहा धो के। वो नीचे हमारी दुकान है सोप, वो खोलेगा, वो उधर नीचे पूजा पाठ करेगा। और अभी हम लोग, मैं पूजा करके सूर्य को जल डाल चढ़ा के अभी अभी आई हूँ। और मैंने क्या किया है, सीक्रेट बात बताती हूँ। मैंने मेरी जो नई बहू है उसको मैंने कि उसके पापा बोले यहाँ तो रहते नहीं है वो, तो मेरे हस्बैंड ने बोला। और मैं कई दिनों से विचार कर रही थी कि देखो हम तो पहले से ही पूजा पाठ करते हैं और वो बेचारी गाँव से बिलोंग करती है, तो ऐसा गांव के बच्चे थोड़ा संस्कार नहीं जानते हैं जो हम लोग हैं। तो अगर मैं उसको बार बार ये बोलूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो इस बात को समझ नहीं पाएगी। अब मैंने इसका एक विचार किया कि ऐसे ऐसे करती हूँ कि इसको आध्यात्म की ओर मोड़ देती हूँ, तो ये बिना कहे अपने आप कुछ संस्कार सीखेगी श्री रामचरित्र मानस से। तो मैं आज इसको वो कड़ी मैंने पकड़ा दी है और उसको बेचारे को पढ़ना इतना नहीं आता, पर वो पढ़ रही है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करती है। चुपचाप दिखाऊंगी आपको। जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु से यदि कोई सज्जन कुशन के में पड़ जाए तो वो तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिन कृपा सांप का संसर्ग पाकर भी देखा, वो ऐसा है कि अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाती है। दुआ भी होते हैं, सुरठा भी होता है। और जिस इंसान ने कभी रामायण वगैरह नहीं पाठ किया होता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है। पर वो जो मैंने शुरू करवा तो दिया है, पर वो कर लेगी, इतना मुझे पता है कि वो धीरे धीरे बहुत कुछ करेगी, सीखेगी। अभी नई नई है इसलिए, और अब हमारे परिवार में वो धीरे धीरे ढल गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बेटे की जो शादी हुई थी बहुत ही अजीब अंदाज में हुई थी, क्योंकि मेरे जो ससुर साहब थे वो ख़त्म हो गए थे, मेरी सास थी वो भी लगन सगाई हो गई थी मेरे बेटे की, तो उसके दूसरे दिन ही वो ख़त्म हो गई थी। तो बड़ी दिक्कत हम लोगों को आई, तो हम उसकी शादी में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए जिससे रौनक शादी में बढ़ जाए। पर एक दो फोटो वगैरह हैं, वीडियो हैं, तो वो तो हैं मेरे पास, मैं कभी डालूँगी फुर्सत में। ऐसा है कि कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कुछ, और घर की सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर है, क्या घर में आना है, क्या नहीं आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा मैं ही तय करती हूँ। वो नहीं रहती है मेरे हस्बैंड यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने ना तो एक वीडियो डाल पाया ना कुछ डाल पाया। अब मेरे एक ही बेटा है और एक ही बहू है। मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार कभी ज़िंदगी में ख़राब हो, और उसके लिए संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। और संस्कार हम लोग कहीं से नहीं पाते, वो तो ईश्वर खुद ही देता है। वो जिसको
अगर नहीं देता है तो कुछ ऐसी सास ससुर को भी माँ बाप को भी व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चे सही दिशा की तरफ जाएं, परिवार को संभालें, परिवार को समझें, माँ बाप को समझें, सास ससुर को समझें, भाई बहनों को, सबको अच्छी तरह समझें। मैं यही चाहती हूँ और इसलिए मैंने ये दिशा उसको दी है कि ये रामायण वगैरह पढ़ेगी तो इसमें जो बढ़िया संस्कार आएंगे कि एक परिवार को कैसे व्यवस्थित रखा जाता है, भाई बहनों को, सास ससुर को कैसे घर में एक लक्ष्मी की तरह बहू रहती है। इसलिए मैंने उसको आज के बोला कि बेटा तुम रामायण पढ़ा करो और प्रेग्नेंट भी है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मैं बता दूँ ये है कि शादी के एक महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, वो है बहू मेरी, और हम लोग तो बहुत खुश हैं। देखो हमारे घर से दो दो इंसान चले गए और भगवान ने बहुत बड़ी हम लोगों पर कृपा की है कि मेरी बहू अब प्रेग्नेंट है। वही खुशखबरी जैसे जैसे आएगी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो बहू को छठवां महीना चल रहा है। मेरे बहू की शादी हुई थी 30 अप्रैल को, तो अभी एक महीने डेढ़ महीने बाद ही ऐसा हो गया और अब धीरे धीरे वो 6 महीने का बच्चा है पेट में। तो मैंने कि धीरे धीरे आपको पता हो कि ये जो रामायण महाभारत महाभारत हुई थी उसमें अभिमन्यु ने पेट में ही वो क्या बोलते हैं वो सीखे वो, अरे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो सब महाभारत क्या वो क्या बोलते हैं चक्रव्यूह की जो रचना की थी वो उनने पेट में ही सीख ली थी कैसे करना है। तो देखो पेट में बच्चा होता है तो अच्छे संस्कार ही माँ बच्चे को अच्छा बनाते हैं। जो पेट में बच्चा सीख लेता है वो बाहर भी उसको वो याद रहता है। इसलिए हो सके तो जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको अच्छी दिनचर्या ही फॉलो करनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम ऐसे कोई ऐसा ना करें जिससे बच्चे पे गलत प्रभाव पड़े। और हमेशा हो सके तो गीता महाभारत महाभारत तो नहीं रामायण और गीता तो पढ़ानी चाहिए, नहीं तो आके ही महाभारत कर देगा। और मैं अभी नहा के आई हूँ, पूजा वूजा मेरी हो गई है, अब मेरे घर में नाश्ता वास्ता की व्यवस्था करेंगे दोस्तों। कुछ भी नहीं बनाया अभी, अब हम बनाएंगे मैगी, फिलहाल मैगी बना लेंगे नाश्ते में। और मेरी बेटी ने ये देखिए काट के भी रखा है सारा सामान, और वो भी कढ़ाई वगैरह तैयार करके रखी है। फिलहाल तो मैं बनाऊंगी, मेरी चाय बन रही है, मैं पहले अपनी चाय पी लेती हूँ, ये तो सारे लोग पी चुके हैं और मैं अभी चाय पीना बाकी है। मेरा कुछ भी नहीं खाया है, मेरे को पेट में हो रही है बहुत जलन। और ये मैगी कटी के लिए सामान कटा हुआ रखा है, ये टमाटर है, आलू है, ये प्याज है लंबी लंबी, देखिए शिमला मिर्च, ये सारा कटा हुआ रखा है। और फिलहाल हम पियेंगे चाय, उसके बाद मैं नहीं बनाऊंगी, फिर मैं बहुत कम काम करती हूँ। अब मेरे बच्चे हो गए हैं, बहू है, ये मेरी बेटी है, देखिए इनको मेला नहीं ले गए इसलिए ये गुस्सा है। हमारे यहाँ मेला लगता है, बहुत बढ़िया मेला लगता है। वो बोल रहे मेरे को मम्मा मेला दिखाने के लिए ले चलो, भैया ने मना कर दी कि नहीं कोई नहीं जाएगा मेला वगैरह, तो वो गुस्सा है। जरा फेस दिखाओ इधर, ये तो जबरदस्ती की हंसी है। ये जबरदस्ती की हंसी है दोस्तों, ये उसको गुस्सा बहुत आता है। इसके मतलब फरमाइश कोई पूरी नहीं करे ना तो इसको बहुत गुस्सा आता है। अरे 4 दिन से प्लान बना के बैठी थी कि मेरे को मेला जाना है, शाम को भोले बाबा का मंदिर बहुत बढ़िया सजता है तो जाने जाना है मेरे को देखने के लिए, अरे पर वो गई नहीं। मैं पापा, फिर मैंने उनसे पूछा मेरे हस्बैंड इसके पापा से, तो उनने बोल दिया कोई मेला वेला नहीं जाएगा, कहीं नहीं कोई जाएगा, भोले बाबा घर पे ही हैं, जो पड़ो बगल वाले उनसे ही मना लो जाके। तो वो नहीं गए, ये लोग हम लोग नहीं गए हैं, तो अभी गुस्सा है। अब गुस्से में ही दोस्तों मैगी भी गुस्से में ही बन रही है, पता नहीं कैसी बनेगी। और बहू तो पूजा कर रही है,
और ये गुस्से में मैगी बनाएंगे, पता नहीं कैसी बनाएंगे। तो चलते हैं, मैं थोड़ा चाय पीती हूँ। देखिए मेरी चाय आ गई है, ये रखिए मेरी चाय, तो पीती हूँ। मैगी बन रही है, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। ये मैगी बना रही हूँ, इसमें ही पास्ता वो डाल दिया मैकरोनी तुमने। दोनों को मिक्स करके बनाओगी? चलो देखते हैं। आज मैकरोनी और मैगी मिक्स करके बना रही है, देखिए कैसे बनती है। नई नई डिश आजमाती रहती है जी लड़की। देखिए फिलहाल तो बॉयल हो रही है। ये जो पीतल की कढ़ाई है दोस्तों, हम लोग पीतल की कढ़ाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं। जो एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, एल्युमिनियम की कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो उसमें एल्युमिनियम की जो कढ़ाई होती है वो कैंसर कारक होती है, उससे कैंसर बहुत जल्दी फैलता है। और आप तो जानते ही होंगे कैंसर तो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। हमारे आस पड़ोस में भी कम से कम 8-10 लोगों को कैंसर होगा, इसलिए हम लोग मतलब नहीं उसमें नहीं बनाते। और मेरे पास जो भी बर्तन थे एल्युमिनियम के, मैं 1-2 बोरी भर के सारी दिवाली पे बेच आए ले। और इसलिए अब ये कढ़ाई है और हमारे पास एक लोहे की कढ़ाई है, और नॉन स्टिक तो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। और ये बच्चे वगैरह नहीं, हम लोग, मैं और मेरी बहू तो मैं साथ मतलब ये बोल के रखा है यही इस्तेमाल करो। और लोहे सबसे लोहा सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, कि लोहे से आयरन वगैरह मिलता रहता है और खून वगैरह में कोई की कमी नहीं होती है शरीर में ब्लड। तो अगर हम लोग कोई हरी चीज़ नहीं खा पाते हैं तो हम लोहे से वो कमी पूरी, आयरन की कमी पूरी कर सकते हैं। और देखिए अभी फ़िलहाल ही मैगी खूब उबल रही है, देखिए बलिया बढ़िया उबाल आ रहा है इसका। देख और बन जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ। कम करो ना गैस। ये मैगी बन रही है, ज्यादा नहीं भूनना ठीक है, ज्यादा भून जाती है फिर अच्छी नहीं लगती मैगी में। ये आलू और शिमला मिर्च पड़ी है, ये आलू और शिमला मिर्च पड़ गया है, और इसमें प्याज है, और ये सुनहरा होने तक भूनेंगे इसको। ये जो सब्जी है ये सॉफ्ट हो जाए तब तक। सुबह सुबह इनको नाश्ता जरूर चाहिए, चाहे कुछ भी बनाओ। फिलहाल चाहे दलिया ही बनाओ, सुबह नाश्ता हम लोग जरूर बनाते हैं। और 12-1 के लगभग खाना बनता है। और अभी मैं चला दे रही हूँ, थोड़ा सा फुल पे कर दूँ गैस, गैस फुल पे कर दे रही हूँ। कहाँ पांच हुए हैं दूर से बताओ? यहाँ पे पांच हुए हैं, हाँ तो यहाँ पे कुछ लगाओ। मैंने वो किताब दी थी छोटी वाली, ऐसे जाप जगह पर रखो। ओ जी जी, छठो स्टार्ट होना तो ये पढ़ना है जिन्नू? नहीं छठवा है कि पांचवा है? पांचवी तो कंप्लीट है ना छठो। ये पांचवा कहाँ दुआ हुआ था? हाँ तो जे पांचवा ही है ठीक है। और जे
ऐसे पलट दो और पैर छू लो। ये पहली दफा है दोस्तों इनने रावण का पाठ किया। मेरे से पूछ रही है मम्मी ऐसे कैसे करूँगा, वो कपड़ा कहाँ है पीला वाला जी उसमें लपेटो, इसको रेंदू लाल वाले में इसमें बांधो रामायण। बस पूरा खोल के अच्छी तरह बांधो, फिर मैं बांध लूंगी ऐसे रख दे जाके नीचे रख दे मंदिर के नीचे। इनकी रामायण हो गई है समाप्त और इनकी फाइनली पूजा हो गई है समाप्त। आज से इनने रामायण स्टार्ट करी है। आ जाऊं किचन में आ जाऊं तब तक बेटी बना रही है मैगी और हम देखते हैं मैगी बन चुकी है कि नहीं। देखिए फाइनली मैगी हमारी बन चुकी है यहाँ पे, देखिए वाह कलर भी बढ़िया है, इसमें सामान भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, आलू पड़ा है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और भी छोटी मोटी जो सब्जियाँ थी घर में वो डली हुई हैं। ये भी बढ़िया टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा हमारे लिए प्लेट में डाल दो। अच्छा धनिया भी पड़ेंगे, ओके। इनको मैगी और पास्ता और ये मैकरोनी, ये फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, देखना हंस भी रही होगी। हाँ अगर मैंने दलिया वगैरह कुछ बना दिया तो इनको पसंद नहीं है। हो गई पूजा जी आ गई, चलो तुम्हें नाश्ता फ्री में मिलेगा चाय और बना लो, खत्म है ये। हाँ मैं तो चाय कितने बार पी लूंगी मेरे को तो चाय मिल जाए उतने बार सही है, ज्यादा नहीं आधा कभी बना लू ठीक है मेरे लिए। और ये रेडी हो चुकी है, वाह मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है, थोड़ा जल्दी डालो मेरे लिए भूख लग जाती है सुबह सुबह 9 बज गए हैं, बस ज्यादा नहीं फॉग दे दो बस। अब हम चलते हैं अपने रूम में, अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। ये रही मेरी मैगी देखिए देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में तो, और खाने में कैसी लगेगी। तो दोस्तों अब मैं करूँगी नाश्ता, आप भी कर लीजिए और फिर अभी तक के लिए लेती हूँ विदा, फिर मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद राधे राधे दोस्तों नमस्कार।